रसगोल्ला ओडिशार नुहे पश्चिमबंगर जीआई पक्षरु अनौपचारिक भाबरे पश्चिमबंगकु मिलिछि भौगोलिक परिचय पत्र तबे नै विधिबद्ध घोषणा करा जाय नाही जीआई पक्ष पश्चिमबंग शाखा पक्षरु पश्चिमबंग सरकारकु ए सूचना दिया जायतबा कहा जायछि रसगोल्ला कहार ताकुने दीर्घ वर्ष हैला पश्चिमबंग एवं ओडिशा मध्यरे लागि रहितला विवाद उभय राज्य याकु निजर बोली दाबी करि आसुछन्ती रसगोल्ला पश्चिमबंगर कि ताकु नै वर्तमान उठिछि प्रश्न अनेक दिन धरि दर्शकबंधु विवाद लागि रहितला आपण माने भी जानिथिबे अनेक वितर्क भी हेछि या उपरे किन्तु वर्तमान जहाँ खबर आसुछि रसगोल्ला ओडिशार नुहे पश्चिमबंगर जीआई पक्षर अनौपचारिक भाव में पश्चिमबंग को मिली भौगोलिक परिचय पत्र जदिओ कथा वर्तमान पर्यंत स्पष्ट होना कि वर्तमान एने आसुची खबर तबे विधिवद्ध घोषणा करा जाय नाही जीआई पश्चिमबंग शाखा पक्षर पश्चिमबंग सरकार को सूचना दि जाता जमापड़ रसगोल्ला कहार ताकु नै दीर्घ वर्ष हैला आपण माने जानिथिबे ओडिशा एवं पश्चिमबंग मध्यरे विवाद जारी रहितला तबे उभय राज्य एहाकु निजर बोली दाबी करि आसुथिले संपर्क अपडेट पर अधिक आलोचना वर्तमान आम सहित फोनलाइन अच्छा सप्तर्षि सोम न्यूज एडिटर ईटीवी न्यूज बांग्ला सप्तर्षि आपसे जानना चाहती हूं लगता है रसगुल्ले की मिठास बदलने वाली है खबर अभी जो आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक जीएसआई का यहां से या वेस्ट बंगाल का जो ऑफिस है इसी ऑफिस से जानकारी मिला है कि जीएसआई का जो रसगुल्ला का ये सर्टिफिकेशन वेस्ट बंगाल को ही मिल रहा है लेकिन अभी तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिला है ये दिल्ली से सर्टिफिकेट इशू होगा उसके बाद ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को या वेस्ट बंगाल को ये मिलेगा लेकिन अनऑफिशियली ये लोग बोल दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वेस्ट बंगाल और ओडिशा ने उस डॉक्यूमेंट के बराबर ये सुनवाई किया और इसके ऊपर जांच करके ये डिसीजन लिया जीएसआई जो ये रसगुल्ला का जो ये यहाँ पर जीएसआई सर्टिफिकेशन वेस्ट बंगाल को ही मिल रहा है अभी तक ये जीएसआई का अधिकारियों ने यहाँ पर एक बैठक में जुड़े हुए हैं और इस बैठक का बाद ही इन लोगों ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन अभी तक ये अनऑफिशियली ये बोल दिया गया कि जीएसआई रसगुल्ला का जीएसआई वेस्ट बंगाल को ही मिल रहा है सप्तर्षि आप जो बात बोल रहे थे कि जीआई के पास पहले से रसगुल्ले को लेकर डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था उस डॉक्यूमेंट में वेस्ट बंगाल की तरफ से क्या कहा गया था वेस्ट बंगाल की तरफ से ये डॉक्यूमेंटेशन में चैतन्य चरितमृत जो चैतन्य देव के ऊपर ये आधारित है ये इनका एक डॉक्यूमेंटेशन दिया है जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये बंगाली में पुथी बोलते हैं इसके पेज नंबर 73, 75, 125, 139, 140 एंड 223 ये सब जो मैन्युस्क्रिप्ट दिया है और उसके अलावा 1831 में एक किताब लिखा है पाक राजेश्वर बोल के ये सब किताबें यहाँ पर जो बंगीय साहित्य परिषद है यहाँ से ये मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें दिया है दिए थे और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट या वेस्ट बंगाल की तरफ से जो यहाँ पर मिस्टर न व्यवसायी समिति है इन लोगों का भी कहना था कि चैतन्य देव का जो टाइम है उसी टाइम से यहाँ पर रसगुल्ला बनाया जा रहा है और इसके आधार पे ही जीएसआई ने ये डिसीजन लिया है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वेस्ट बंगाल का ही रसगुल्ला सबसे पुराना है और वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला सबसे पहले बनाया जाता था इसलिए वेस्ट बंगाल को ये जीएसआई सर्टिफिकेशन का देने का ये डिसीजन लिया है आपके सूचना के लिए धन्यवाद सप्तर्षि ये थे दर्शक बंधु सप्तर्षि सोम न्यूज एडिटर ईटीवी न्यूज बांग्लार जे कि कौन पूरा अपडेट रही कौन पूरा घटना रही से संपर्कित आपण खबर दौले तेरे अधिक आलोचना वर्तमान आम सहित फोनलाइन अच्छा गवेषक अशित महांति अशित बाबू आपको स्वागत करने चाहिए रसगोल्ला ओडिशार नुहे पश्चिमबंग विधिवद्ध घोषणा जदिव बाकी अच्छी केमती देखुं खबर को रसगोल्ला न्यूज एडिटर कहते 1831 ସେଟା ଜିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ରସଗୋଲା ଲେଖା ନାହିଁ ଛେନାର ବ୍ୟବହାର ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଛେନାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ସେଠି ଲେଖା ନାହିଁ ଆମ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଯାହାର ସମୟ ତାହା
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅସିତ ମହାନ୍ତି, ଗବେଷକ। ତାଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ।